बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्थिति की किचन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमने एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हलवा पूड़ी के साथ। हलवा पूड़ी होती है, इसके साथ जो चने का सालन होता है उसे भाजी कहते हैं, वो है, उसमें अचार है साथ। तो ये आपके एक छोटा सा नुस्खा जो नाश्ते के वक्त नॉर्मली पंजाब में भी, खैर अब तो दुनिया भर में जो सी हलवा पूड़ी खाई जाती है। बहरहाल ये बरसगीर का एक समझ लें कि ये एक रेसिपी है जो अमूमन जो है वो नाश्ते के वक्त सुबह सुबह ये खाई जाती है। हलवा पूड़ी खाने में बहुत मज़ेदार होती है, अच्छी बनी हुई हो, अच्छे चने हो, हलवा मुनासिब हो, मुनासिब मीठे का हो, तो ये काफ़ी मकबूल है। तो नाज़रीन, आप लिहाजा कीजिएगा कि हलवा पूड़ी जो बनाई गई है वो, उसमें मेरे साथ बहुत सारे घर के अफराद भी शामिल होते हैं, मैं खाली नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर मैं अकेला ही होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मेरी फैमिली जो है मेरा साथ देती है, और ये चीज़ें खूबसूरत बनाने में, मज़ेदार बनाने में उन्हीं का ज़्यादा हाथ होता है। तो बहरहाल मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूँ सिर्फ, और बाकी जो काम है वो हमारे घर वालों का ही होता है। और ये उम्मीद है कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, मुलाजे कीजिएगा हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी वैसे तो ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब में ये बहुत शौक से खाई जाती है, ख़ासतौर पर सुबह के नाश्ते में। तो ये मैदा मैदे से भी बनती है और आम आटे से भी ये तैयार हो सकती है। और इसका बनाने का बज़ाहिर तो लगता है आसान तरीका है, लेकिन इसका इसका जो पेड़ा बनाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, ताकि ये देखें पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। यहाँ पे इसके सबसे पहले ये इसके पेड़े बनाए गए थे कुछ देर पहले, कुछ देर एक घंटा रख दें तो पेड़े मुनासिब हो जाते हैं। और इसको गूदा और इसके साथ जो लवाजमात होते हैं, हलवा होता है, हलवा हलवा पूड़ी, जब तक हलवा ना तैयार हो और इसको पूड़ी का मज़ा जाता रहता है। फिर इसके साथ एक भाजी बनाई जाती है, भाजी भी सुबह तैयार कर दी थी। और ये भाजी है जिसके अंदर चने का सालन है, और ये तैयार है तकरीबन। बस अब ये सिर्फ खाने की बात है कि, और ये बड़ा लजीज बनेगा जब इसको खाया जाएगा। तो आप एक पूरी और गलते हुए दिखाती हूँ, और इसके लिए ज़रा बड़ी कढ़ाई हो तो ज़रा बेहतर होता है। ये छोटी कढ़ाई है, आज बड़ी कढ़ाई हमने इस्तेमाल नहीं की है। जब पिछली दफ़ा हमने पिछले प्रोग्राम में हमने वो उसमें डाली थी, हमने जिसमें कबाब बनाए गए थे, वो असल में जगह इसकी मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह ज़रा मौसम खुलता है, कोविड ख़त्म होता है, तो बाहर आपको बना के दिखाएंगे पूड़ियाँ भी और कढ़ाई भी और हलवा हलवा पूड़ी भी और कबाब भी दोबारा से बनाएंगे। वैसे तो पूड़ी खाने का मज़ा साथ के साथ भी आता है, लेकिन ये कि इकट्ठे खाएँ तो उसका भी मज़ा बहुत आता है कि सारे पूड़ी तैयार हो जाए और फिर खाई जाए। अब ये तकरीबन घी तैयार हो गई है, इसको तेल से निकाल लीजिए। जी, रेड पूड़ियाँ तैयार हैं, और ये आज छोटा सा प्रोग्राम था कि आज असल में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि तैयार करते, लेकिन कुछ वीडियोग्राफर भी मौजूद नहीं थे, तो हमने ये काम तो कर लिया मुकम्मल, लेकिन ये था कि आपको पूड़ियाँ दिखा दें कि पूड़ियाँ ऐसे तैयार होती हैं। अगले प्रोग्राम में किसी नई डिश के साथ
दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। जी पूड़ियाँ भी जो सी हैं वो मेज़ पे आ गई हैं, अब तैयार है सब चीज़ें। और ये अगर देखें तो पूड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं और बाकायदा पूरी सिक्की हुई पूड़ियाँ हैं, ये नहीं कच्ची कच्ची पूड़ियाँ हों, वाइट कलर की। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूड़ियाँ अगर सही तरीके से सेकी जाएँ तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बर्फ ये सब तजिए तैयार है और ये इसको मज़े लेके खा सकते हैं।